नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में भगवान बुद्ध बताते हैं कि मन को शांति कैसे रखें, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके एक शिष्य ने रास्ते में उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान जीवन में पूर्ण शांति कभी नहीं मिलती, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे जीवन में सदा शांति का अनुभव हो। भगवान बुद्ध ने शिष्य की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मुझे अभी प्यास लगी है, पहले मुझे थोड़ा जल पीने दो, क्या तुम हमारे लिए जल ला सकोगे? इसके बाद शिष्य जल की खोज में निकला और कुछ दूरी पर एक झरना देखा। जब वह झरने के पास पहुंचा तो कुछ बैलगाड़ियां वहां आ गईं और झरने को पार करने लगी। बैलगाड़ियों के गुजरने के बाद शिष्य ने देखा कि झील का पानी बहुत गंदा हो गया है, इसलिए उसने तय किया कि कहीं और से जल लाएगा। काफी देर तक जल ढूंढने के बाद भी उसे जल नहीं मिला तो वह निराश होकर लौटने का निश्चय करता है। जब शिष्य खाली हाथ लौट आया तो भगवान बुद्ध ने पूछा और उसने सारी बात बताई। वह बोला कि वह किसी दूसरी झील की तलाश करेगा जिसका पानी साफ हो। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, दूसरी झील की तलाश की जरूरत नहीं है, उसी झील पर जाओ। शिष्य फिर से उस झील पर गया, लेकिन झील का पानी अभी भी गंदा था। शिष्य ने फिर लौटकर बताया कि पानी अभी भी गंदा है। भगवान बुद्ध ने कुछ देर बाद उसे फिर उसी झील पर जाने को कहा। थोड़ी देर ठहरने के बाद जब शिष्य झील पर पहुंचा तो पानी बिल्कुल पहले जैसा साफ हो गया था। अब शिष्य जल लेकर आया और बुद्ध ने पीकर कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन के पानी को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज गंदा करती रहती हैं और हमारी शांति को बाधित करती हैं। यदि हम बुरे विचारों को रोकने में सफल हो जाएं, तो जीवन में सदा शांति का एहसास पा सकते हैं। इस कहानी से भगवान बुद्ध ने यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि जीवन की शांति तब संभव होती है जब हम अपने मन के विचारों को शांत कर पाते हैं। जैसे झील के पानी को गंदा करने वाली बैलगाड़ियां थी, वैसे ही हमारे बुरे विचार हमारे मन की शांति को बाधित करते हैं। जब हम इन बुरे विचारों को शांत कर देते हैं और अपने मन को साफ रखते हैं, तब ही जीवन में शांति का एहसास होता है। भगवान बुद्ध ने इस उदाहरण के माध्यम से सिखाया कि जैसे पानी खुद को साफ कर लेता है, वैसे ही हम अपने विचारों को भी शांत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।